गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो? मस्त। ओके, तो आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और लास्ट में आपने चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स आपके फेयर नोटबुक में अच्छे से लिख लिया है। अब हम करेंगे वर्कशीट। चलो देखो, रिवीजन वर्कशीट एक बार करें ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे लिखना है। प्रश्नों का जवाब एक वाक्य में लग, प्रश्नों का जवाब एक वाक्य में लग। कागर केवो छे, कागर कोरो छे। पाक कोनी दोरवामा आवी छे, पाक पोपटनी दोरवामा आवी छे। नानी बीची केटली छे, बोलो सात, नानी बीची सात छे। गागर सेमा दोरी छे, गागर भीगमा दोरी छे। पतरंगानी आंख केवा रंगनी छे, पतरंगानी आंख लाल रंगनी छे। पतरंगानी पूछड़ी केवी छे, पतरंगानी पूछड़ी अणीदार छे। प्रश्न का जवाब एक भी वाक्य में लिखो, एक दो सेंटेंस में लिखने हैं आपको। पतरंगो बिजली ना तार पर बैठो बैठो सो सोच रहा हो तू। जब पतरंगो बिजली के तार पर बैठा बैठा क्या सोच रहा था, क्या ढूंढ रहा था? उसको जोरों से भूख लगी थी, तब जाके वो क्या कर रहा था, भूख के मारे वो उसके खाने की तलाश में कि मुझे कुछ खाना मिल जाए, कोई चिमड़े मिल जाए तो उसको खा ले। बाढ़ सू भूली गयो, बाढ़ मानी जो बाणी मार भूली गयो अने ए सुई गयो। बाए भीग जोईने शू कर्यु, यहाँ पर बा प्रिंटिंग मिस्टेक। तो बाए भीग जोईने शू कर्यु, बाए भीग जोईने घूम पाड़ी अने ए बाड़क ने खूब मार मार्यो। पतरंगानो रंग केवो होय छे, पतरंगानो रंग रंगे रूपाड़ो होय छे अने ए चमकता लीला रंगनो होय छे। काव्य पंक्ति पूर्ण करो, लीधो और यहां से लेकर तो पाड़ी पार, ये आपको वहां तक लिखना है। खरा खोटा रखो, छोकराए दंडाजी हवा में उछाड़ी गई, लीली थी गई, वो ग्रीन कलर की हो गई, क्या आएगा? खरा खोटा कर दे, यहाँ राइट या रॉन्ग का टिक मार्क कर दिया, यहाँ रॉन्ग। पतंग को पांडा जीवा रंग नो हुए चे, यस ग्रीन कलर का चमकता, वो साइनिंग वाला ग्रीन कलर होता है वैसा है, तो ये आएगा राइट। लखोटी टप कहने छोकरा ना माथा पर पड़ी, ट्रू राइट। पाख चकली दौड़वा आवी छे, पाख चकली दौड़वा आवी छे, रॉन्ग। बाळको फूल वडे लेके उड़ाता हता, क्या आएगा? रॉन्ग। मिसिंग लेटर रेड एस ट, तो यहां लिखेंगे के रैकेट। बी डैश पिन डैश क्या होगा? त। मे दा न बा र क डैश के आगे क। अ डैश न डैश अ चा न क। गा यहाँ क्या आएगा? ग र। का ग र। ल खो टी। सरियो कोई भी पांच लाइन आपको लिखनी है, और अगर नहीं भी आए क्वेश्चन पेपर में तो आपको नहीं लिखना है। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गया? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।